फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर मेरी इस वीडियो में ही होगा, तो मैं एंड में वो क्वेश्चन पूछूंगी। और जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि कौन कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं पौधे की ग्रोथ में, ऐसे वो पांच कौन से फैक्टर हैं जो ज़रूरी होते हैं पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, तो वो है सनलाइट, पानी, हवा, स्पेस, मिट्टी, मिट्टी का अच्छे से फर्टाइल होना। तो सही आंसर दिया है नीरा किचन गार्डनिंग ने, तो थैंक यू नीरा जी। और ये फ्लावर्स आपके लिए, आपके अच्छे से आपने मेरी वीडियो में इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। अक्सर लोगों को किचन से जो निकला हुआ कचरा होता है, किचन वेस्ट होता है, उससे खाद बनाने में प्रॉब्लम आती है। और आप मेरा गार्डन देखिए, ये सारा गार्डन मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट के बदौलत ही चल रहा है। मैं ज़्यादातर करके किचन वेस्ट कंपोस्ट और गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। और किचन वेस्ट कंपोस्ट डालने से जो पौधे होते हैं बहुत ही स्पीड में बड़े होते हैं। जिन पौधों में फ्रूटिंग नहीं हो रही होती उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिन फूलों में फूल नहीं आ रहे होते उनमें फूल स्टार्ट हो जाते हैं। किचन वेस्ट से ही आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो किचन वेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं यूज़ करने में। किचन वेस्ट एक ऐसी खाद है जो कि बहुत लाइट होती है, अगर ज़्यादा भी पड़ गई तो पौधों को तकलीफ़ नहीं होती, पौधे मरते नहीं हैं, पौधे जलते नहीं हैं। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच खाद होती है, जो कि आपके घर के गीले कचरे यानी कि ग्रीन वेस्ट से ही बनती है। इस ग्रीन वेस्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले किचन वेस्ट के अंदर आपको कोई भी कुक्ड फूड नहीं डालना। कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत नो है, जिसको डोंट डू इट एक्चुअली, ये है इसकी जो डोंट्स होती हैं। कुकिंग फूड नहीं डालना, ऑयली फूड नहीं डालना, और कोई नॉनवेज है जैसे कि कोई रॉ चिकन या रॉ मीट नहीं डालना। एग के छिलके आप डाल सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं आपको नहीं डालनी, ऑयल नहीं डालना, कुक्ड फूड नहीं डालना, कोई नॉनवेज नहीं डालना। तो आपकी किचन वेस्ट बहुत ही सुंदर तरीके से बनेगी, उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। मैं ऐसा यूनिक तरीका आपको बताऊंगी जैसे कि मैं बनाती हूँ, उससे आपको बहुत ही जल्दी खाद मिलेगी और वो खाद आप अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं और अपने पौधों को बहुत ही सुंदर तरीके से बड़ा कर सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ करने से पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रो होते हैं, उनके अंदर पेस्ट अटैक भी बहुत कम होता है, कीड़े भी बहुत कम लगते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट बहुत ही पावरफुल खाद है पौधों के लिए, और पौधों के लिए लाइट है, पौधों को बड़ा करने में हेल्प करती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम देखते हैं कि मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट को कैसे बनाती हूँ किचन वेस्ट से। आज मैं अपने टेरेस पे जो मैंने एक्चुअली अपने किचन के अंदर दो डस्टबिन रखे हुए हैं, एक तो नॉर्मल कूड़ा जिसके अंदर जो मैं अपने घर का नॉर्मल कूड़ा कचरा डालती हूँ वो रखा है, और एक ऐसा मैंने डस्टबिन रखा हुआ है जिससे मैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना किचन वेस्ट इकट्ठा करती हूँ। दो दिन में मेरा ये किचन जो डस्टबिन है किचन वेस्ट से भर जाता है और मैं उसको लेके छत पर आ जाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो कूड़ेदान है जिसके अंदर मैं ग्रीन वेस्ट इकट्ठा करती हूँ। तो ये मेरा 10-12 लीटर की बाल्टी है मेरी, और इसके अंदर मैं किचन से निकला हुआ सारा कूड़ा इसमें इकट्ठा करती हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किचन वेस्ट से कैसे कंपोस्ट बनाती हूँ, और इस प्रोसेस में आपके कूड़े इस कंपोस्ट के अंदर ना बदबू आएंगे, ना कीड़े पड़ेंगे, और बहुत ही स्पीड में खाद बन जाएगी। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसा कोई ग्रो बैग ले लीजिए, आप मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं, आप ग्रो बैग भी ले सकते हैं, आप कोई कट्टा भी ले सकते हैं, जो सीमेंट का कट्टा आता है वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास मैं हमेशा एक्स्ट्रा ऐसे ग्रो बैग्स रखती हूँ जिसके अंदर मैं कंपोस्टिंग कर सकूं। तो थोड़े से पत्ते मैंने ऐसे अभी डाल दिए थे, इसके अंदर मैं पहले सबसे पहले अगर आपके पास मिट्टी है तो मिट्टी डाल दीजिए, गोबर की खाद है तो गोबर की खाद थोड़ी सी डाल दीजिए, या पुराना किचन वेस्ट अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, तो कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर थोड़ी सी जो मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट पड़ी है मैं वो डालूंगी। मैं जनरली उस किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ जो ज़्यादा डीकम्पोज अभी नहीं हुई होती, यानी कि उसका जो डीकम्पोज होने का जो प्रोसेस है वो अभी भी बाकी है। तो ये मेरे पास किचन वेस्ट जो पार्शली डीकम्पोज है वो पड़ी है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी इसके बेस, इस वाले ग्रो बैग के बेस में। सबसे पहले मैं इसको डालूँगी,
अच्छे से फैला लेना है। देखिए मैं इसके अंदर ये जो कागज होते हैं ब्राउन पेपर्स, मैं उसका भी यूज़ करती हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा जो लिक्विड होता है वो सोक हो जाता है। तो ये ग्रो बैग के अंदर सबसे पहले मैं इसकी बेस पे मैंने इसको बिछा लिया। ये देखिए ये 15 इंच का ग्रो बैग है, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। ये 15 इंच का ग्रो बैग है और इसके अंदर मैंने बेस में पुराना किचन वेस्ट जो हाफ पार्शली डिकम्पोज है वो डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब जो मेरे पास ये जो कचरा है ये सारा कचरा मैं इस ग्रो बैग में डालूँगी। तो कोशिश करती हूँ एक हाथ से डालने की, हो सकता है कि गिर भी जाए। तो इस कचरे को मैं धीरे धीरे उठाकर इस ग्रो बैग में डालती जाऊँगी। ये देखिए ये मेरा रोज का कचरा है और जो कि मैं, ये देखिए इसके अंदर अंडे के जो क्रेट होते हैं मैं उसको भी डाल देती हूँ। तो इस टाइप से मैं अपने चाय की पत्ती को, अगर आप चीनी यूज़ करते हैं, चाय में चीनी डालते हैं, तो चाय की पत्ती को अच्छे से धो के इस कंपोस्ट बिन में डालिए। अगर आप नहीं धोएंगे तो आपके कंपोस्ट में चींटियाँ लग जाएंगी। मुझे एक कॉमेंट आया था कि मेरे कंपोस्ट में चींटियाँ लग जाती हैं, तो ये रीज़न होता है आप हमेशा चाय की पत्ती को धो के डालिए। और इससे भी कागज भी आपको डालने हैं, तो इस टाइप से हम डालते जाएंगे। तो सारा कचरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इस ग्रो बैग के अंदर। इसको अच्छे से हम ऐसे कर लूँगी मैं, और इसको मैं खुला रखूँगी, मैं इसको कवर भी नहीं करूँगी। और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर ये मुझे खाद मिल जाएगी। और जब इतना हो जाए तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर और डाल देनी है। हम इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर और डाल देंगे, बहुत पतली सी लेयर डालनी है, और बस जिससे कि ये जो कूड़ा है वो ढक जाए। और 2 दिन में फिर जब मेरे पास कचरा इकट्ठा होगा फिर मैं ला के इसी ग्रो बैग में डाल दूंगी। और इस प्रोसेस को मैं करीबन, मुझे ये जो प्रोसेस है ये मुझे 10 बार ऐसा करना होगा, क्योंकि जितना कूड़ा होगा धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते वो नीचे बैठता चला जाएगा। जब ये कूड़ा नीचे बैठेगा तो इसमें स्पेस और जनरेट होती जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके जो कंपोस्ट है उसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जो भी पानी होगा इसका, जो लिचिड का जो भी पानी होगा वो इसी मिट्टी में सोख हो जाएगा, और ये जो आपकी खाद होगी वो बहुत ही न्यूट्रिशन रिच खाद होगी। तो देखिए कितना आसान है ये प्रोसेस। तो मैंने अभी, आप अगर देख पा रहे हैं, तो ये मैंने इस 15 इंच के ग्रो बैग में अभी इतना कूड़ा और इतना थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाली है आप सबके सामने। और अब मैं जिस जादुई चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि एक ऐसी जादुई चीज़ है जिसको डालते ही आपकी जो खाद है, जिसको मैं बोल रही हूँ 1 महीने में बन जाएगी। तो अगर आप इस प्रोसेस से खाद बनाएंगे तो ये खाद 1 महीने में बनेगी। और एक जो जादुई चीज़ मैं बता रही हूँ वो है ये कोई गैस कर सकता है क्या है? ये है गुड़ का पानी, जो पुराना गुड़ हो जाता है उसका ये पानी है। और ये ऐसा एक जादुई लिक्विड है जिसको डालते ही जो आपका जो किचन वेस्ट है वो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 हफ्तों के अंदर, इनफैक्ट 3 हफ्तों के अंदर ही खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें डालना कैसा है, जब आप ऐसे मिट्टी डाल लें तब आप ये थोड़ा सा, बस इतना सा आपको स्प्रिंकल करना है इस खाद के ऊपर, और हल्का सा आप ऐसे करके इसको मिला दीजिएगा। जितनी बार आप मिट्टी और खाद डालें उतनी बार आप ये इस लिक्विड को डाल दीजिए। ये जो गुड़ का पानी है ये ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर, जिसको डालते ही हमारी मिट्टी में एक माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ यानी कि बहुत सारे अच्छे कीटाणु आ जाते हैं जो कि आपके डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं, यानी कि डबल स्पीड में आपका जो डिकम्पोजिशन है वो होने लग जाता है, और आपकी जो किचन वेस्ट है वो बहुत ही जल्दी खाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इस प्रोसेस का भी यूज़ करती हूँ। ऐसे विंटर्स हैं, इस टाइम पे आप इस गुड़ का पानी है इसको यूज़ कीजिए, और अपने डिकम्पोजिशन प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकते हैं आप इससे। इससे आपकी मिट्टी के अंदर गुड बैक्टीरिया राइज होंगे और आपकी मिट्टी बहुत ही न्यूट्रिशन रिच मिट्टी हो जाएगी, और खाद आपकी बहुत ही न्यूट्रिशन वाली खाद बनेगी, और जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। मैंने जो पहले बना रही थी उसका रिज़ल्ट क्या है, वो पार्शली बन चुका है। ये देखिए मैं ऐसे ही अपनी ग्रो बैग्स में बनाती हूँ। ये देखिए अंडे का छिलका निकल रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसे डिकम्पोज होता है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कहाँ चींटियाँ हैं, बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं है। ऐसे प्रोसेस में बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आती। ये देखिए ये डिकम्पोज हो रहा है,
और मिट्टी में इतनी ताकत होती है वो किसी भी जो जो भी मैटर होते हैं उसको बहुत ही जल्दी डिकम्पोज कर लेता है। ये देखिए इसकी इसमें कितनी अच्छी खाद बन रही है और ये 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगी, फिर मैं इसको अपने पौधों में एज इज डाल दूंगी। तो इस प्रोसेस से मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ और इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और ये फास्टेस्ट तरीका है, एकदम स्पीडी तरीका है जिससे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है बिना बदबू के, बिना कीड़ों के। और आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ, देखिए इसके अंदर ये मिट्टी बनती जा रही है, जो भी कूड़ा था वो मिट्टी बनता जा रहा है और इसको मैं छू भी पा रही हूँ हाथ से, ऐसा कुछ नहीं कि मैं छू नहीं पा रही। तो देखिए कितना आसान है इस तरीके से खाद घर में बनाना, और इस तरीके से अगर आप खाद बनाएंगे तो आपकी जो गार्डनिंग है वो बहुत ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगी, आपको बाहर से खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी तो, और आप बहुत आसानी से इस खाद को यूज़ कर सकते हैं। इस खाद के बहुत फ़ायदे हैं, ये गुणों से भरी हुई खाद है जो आपके पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको डालने से आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं। मैं अपने पौधों में बस इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरे पौधे इतने अच्छे से बड़े होते हैं। देखिए ये मेरा गार्डन है जो कि सिर्फ इस किचन वेस्ट कंपोस्ट के बदौलत चल रहा है। तो इस तरीके से मैं अपने गार्डन के अंदर इसका यूज़ करती हूँ। और इससे ज़्यादा आसान तरीका किचन वेस्ट को कंपोस्ट में बदलने का नहीं है। इस तरीके से अगर आप किचन वेस्ट को कंपोस्ट में बदलेंगे तो आपके लिए बदलना बहुत आसान है, ना आपको स्मेल लगेगी ना कीड़े आएंगे। और मैं आपको एक दो तरीका और बताती हूँ। देखिए मैंने इसी तरीके से अपने हर पौधे हर गमले के अंदर कंपोस्ट बिन बना रखा है और इसके मैंने छेद भी कर रखे हैं। तो मैं यहाँ कूड़ा इकट्ठा करती रहती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी डालती रहती हूँ और उसको दबाती रहती हूँ और इसका जो लिचिड होता है वो मेरे पौधे के अंदर पहुँचता रहता है, तो उसी वजह से मेरे पौधे इतने अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये सुपर फास्ट तरीका है किचन वेस्ट को कंपोस्ट में बदलने का। मैं एक बाल्टी आपको और दिखाती हूँ अपनी, मैंने यहीं पर अपने एक पौधे के पास रखी हुई है। देखिए ये भी कूड़े इस किचन वेस्ट से भरी हुई है और इसके अंदर भी यहाँ नीचे बॉटम में मैंने छेद कर रखे हैं, ये हिल नहीं रही, बहुत टाइट है ये। ये देखिए इसकी बॉटम में मैंने छेद कर रखे हैं, जितना लिचिड होता है वो मेरे इधर मिट्टी में पहुँच जाता है और मैं इसके ऊपर अंदर जितना भी कूड़ा होता है किचन का, जब भी नीचे बैठ जाता है मैं ऊपर से डालती रहती हूँ। और जब ये खाद बन जाएगी तो मैं इसी अपने ग्रो बैग के अंदर इस खाद को डाल दूंगी। तो देखिए कितना आसान है, इस टाइप की बेहतरीन खाद आपको सिर्फ किचन वेस्ट से ही मिल सकती है और किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो आपने देखा ना किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करना कितना आसान है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑयली फूड नहीं डालना उसके अंदर, आपको कुक्ड फूड नहीं डालना, आपको नॉनवेज नहीं डालना। तो आपका किचन से जो निकला हुआ कचरा है वो बहुत ही अच्छी कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा और आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और न्यूट्रिशन रिच होगा। देखिए मैंने अपने हर गमले के अंदर इसी तरीके से बाल्टियाँ रखी हुई हैं, उसके बॉटम के में मैंने छेद बना रखे हैं और जिससे कि लिचिड मेरे इसमें जाता रहे। मैं बहुत अलग अलग तरीके से कंपोस्टिंग करती हूँ, मैं ग्रो बैग में भी करती हूँ, मैं ऐसी बाल्टी में भी करती हूँ, घड़े में भी करती हूँ, मैं हर जगह पे कोशिश करती हूँ कि मैं कंपोस्टिंग करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा किचन वेस्ट को यूज़ कर सकूँ। क्योंकि मैं एक लाइन बोलूँगी, तेरा तुझको अर्पण, मिट्टी से जो लिया मिट्टी को वही दे दिया, तो मिट्टी भी हमको बहुत कुछ दे देती है। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इससे आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट मिल जाएगी अपने किचन वेस्ट से, तो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कौन कौन हैं जो ऑलरेडी कंपोस्टिंग करते हैं और उससे आप लोगों को जो कंपोस्टिंग करते हैं आप लोगों को उससे क्या बेनिफिट होता है। तो प्लीज़ अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जिससे कि और लोग भी इंस्पायर हो सकें अपने किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए और थोड़ा सा योगदान हम एनवायरनमेंट को भी दे सकें अपने कचरे की जिम्मेदारी खुद लेके। तो एंड में एक क्वेश्चन की बारी, जैसा कि मैं बताती हूँ अपने हर वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आज का क्वेश्चन ये है कि हमें अपने कंपोस्ट बिन में कौन कौन सी 3 चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और शेयर कीजिएगा कि मैं कौन सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए कवर करूँ जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और मैं आप सबके साथ उन टॉपिक्स को शेयर करूँ। थैंक यू।